One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. हम क्या करें, वेल शफल करके एक कार्ड को हम अलग करें वो 52 कार्ड्स को मिलाकर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो रही है. देखिए फर्स्ट का ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, चारों का भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल है 52. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ये 52. तो फर्स्ट वाला रेड किंग, रेड किंग, रेड किंग टोटल कितने रहते हैं, नंबर ऑफ टू रहते. तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये लिखना है आपको. पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 बाई 52, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 सिक्स जा 12, इसका आंसर हो गया 1/26, एक हो गया. ठीक है, फर्स्ट बिट. और सेकंड बिट में देखिए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड यहाँ पर दे रखा है. सेकंड बिट यहाँ पर है फेस कार्ड्स, फेस कार्ड, सॉरी फेस कार्ड्स आपको पता है टोटल 12 रहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर फेस कार्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई, यहाँ पे आपको लिख लेना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपको फॉर्मूला आपको लिखना है. तो यहाँ पर आप फेवरेबल आउटकम्स 12, पॉसिबल आउटकम्स 56, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, इसका आंसर हो गया 3/13. थर्ड बिट क्या दे रखा है, रेड फेस कार्ड्स यहाँ पर, और रेड फेस कार्ड्स आपको पता ही है 3 होते हैं, 6 रहते हैं रेड फेस कार्ड्स, कितने रहते हैं 6. नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6, पॉसिबल आउटकम्स 52. अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, इसका आंसर 3/26. ठीक है, उसके लास्ट द जैक ऑफ हार्ट, फोर्थ वाला जैक ऑफ हार्ट कितने रहते हैं यहाँ पे, जैक ऑफ हार्ट सिर्फ एक ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52. इस तरह सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. देखिए इसका मीन आपको फाइंड आउट करना है, कोई भी एक मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, इसके क्या करेंगे हम टोटल 5 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह. एक दे रखा है मार्क्स, दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा लेंगे मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे इसको एफ वाई दे देंगे, और इसको दे देंगे एक्स आई, यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एफ आई डी आई. चलिए इक्वेशन में क्या दे रखा है देखिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह दे रखा है. और ये भी दे रखा है 20, 24, 40, 36, 20. ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों का हाफ कितना होगा 5, ये दोनों का हाफ होगा 15, ये दोनों का हाफ होगा 25, ये दोनों का हाफ होगा 35, ये दोनों का हाफ होगा 45. चलिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40, इसको ए ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, ये -1 -2 यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 इस तरह आप लिख सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 22 जा 40, 24 1 जा 24, यहाँ पर आप ले सकते हैं 14 2 0 0, 36 1 जा 36, 22 जा 40. ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -64, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76. यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 76 - 64, कितना होगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 76 - 64, 2, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 12. फिर यहाँ पर हो जाएगा ये
सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये पूरों को प्लस कीजिए 140। और फॉर्मूला आपके पास है मीन इज इक्वल टू, डिविएशन मेथड का आप ले सकते हैं, ए प्लस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए आपके पास क्वेश्चन में है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 12, सिग्मा एफ आई है 140। इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैंसिल करना है 2 6 12, 2 7 14 0, 2 3 6 और 2 3 6, 2 5 10, 3 को आप 35 से डिवाइड करना है, 0 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 ले लेंगे, पॉइंट ले लिए। फिर 35 8 आप ले सकते हैं 280, तो यहाँ पर 25 प्लस 0.8, ये दोनों को ऐड करेंगे 25.8 आंसर आ जाएगा। ड्रा द ग्राफ, ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, एक आपको पूछेगा, देखिए ये पॉलिनोमियल्स का है। सबसे पहले आपको लिखना है x, उसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखना है -6x, उसके बाद लिखना है 9, लास्ट में लिखना है y। इस तरह आपको लेना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप वैल्यूज ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 तक भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या 3 तक भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये इस तरफ या इस तरफ भी आप इस तरह भी ले सकते हैं। ये चाहे तो आप 4 तक लीजिए या 3 तक लीजिए, देखेंगे हम किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ये ले लिए, ये स्क्वायर है तो 0 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9 हो जाएगा, -2 -6, 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये -+ 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, फिर ये 9 पूरों में उसी तरह रखेंगे, 9 9 9 9। अब देखिए इसको छोड़ के ये पूरों को ऐड कीजिए, 9 9 और 1 10 10, में से 6 निकाल लीजिए 4, 9 और 4 13, में से 12 निकालिए 1, 9 9 18, में से 18 0, ये पूरों को ऐड करना 16, ये पूरों को ऐड करेंगे 25, ये पूरों को ऐड करेंगे 36। अब इसका सिंपल रफली ग्राफ ड्रॉ करूँ, देखिए मैं, फिर आपको करना है इस तरह, आपको लेना है यहाँ पर, आपको लेना है एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको लेना है वाई एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3, -1 -2 -3, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर 36 है, तो इसलिए आप 36 तक नहीं, आप क्या करेंगे, हम 5 5 करके ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35, ये -5 -10 -15 -20 -25 -30 -1, रफली आपको मैं बता रहा हूँ, ये 0 से 0 to 9 यहाँ पर आएगा 10 से नीचे, 1 से 4, ये 1 से 4 5 से नीचे आ जाएगा, 2 से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से 0 लाइन पर ले लेना, 3 से 0, -1 से 16, ये -1 to 16 15 से थोड़ा ऊपर, -2 to 25, ये -2 to 25, ये -2 to 25, -3 to 36, -3 to 36 माने 35 से ऊपर। अब इसको इस तरह आपने मिला लेना है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ये 3 होगा, मतलब 3 into 3 3 3 9 होगा, 3 into 3 होगा, इस तरह आपको लिखना है। चलिए देखेंगे क्या दे रखा है, ये प्रूव दैट √3 + √5 एंड इरेशनल। सपोज इसको हम क्या करेंगे, लेट √3 + √5 इज रेशनल बना लेंगे इसको, हम लोग रेशनल होगा, देन √3 + √5 इज इक्वल टू p/q, q≠0 होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, 2 रूट रहेगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना है, तो √3 + √5 स्क्वायर इज इक्वल टू p/q स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह आप लेना है, ए स्क्वायर √3 स्क्वायर, बी स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस 2ab √3 × 5 ले सकते हैं, इज इक्वल टू p² / q², स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 5 + 2 √3 = 15 इज इक्वल टू p² / q², ये दोनों को ऐड कीजिए, 8 + 2 √15 इज इक्वल टू
पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ए टू रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इधर ला लीजिए माइनस 8, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम, टू रूट 15 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम हो जाएगा, 1 इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू 8, 8 क्यू, ए रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 क्यू। अब देखिए ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म है, ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल है, इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू बाई 2 क्यू आप लिखना, लिखे बाद आपको क्या करना है। देयरफॉर क्वेश्चन रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल आपको लिखना है। चलिए देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन जहां पर भी देगा 1:2, 2:1 आपको लेना है, दो क्वेश्चन आपको लेके करना पड़ेगा। तो यहां पर एक लाइन मान लीजिए, पहले ए और बी, ये दो पॉइंट्स गिवन है, देखिए 2, -2, एक और पॉइंट है -7, 4, ये वाला आपको 1:2 लेना है, एक फिर एक बार 2:1 लेना है, इसको एम वन एम टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, पी वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर, एम वन वन, एक्स टू माइनस सेवन, एम टू टू, एक्स वन टू, एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू, फिर दोबारा एम वन वन, वाई टू फोर, एम टू टू, वाई वन माइनस टू, एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू, वन सेवन ज़ा सेवन, टू टू ज़ा फोर बाई थ्री, वन फोर ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर बाई थ्री, ये दोनों को माइनस कीजिए 3/3, ये 0/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर ये माइनस 3, ये दोनों कैंसिल, -1, 0। फिर दोबारा इसको ए बी, ये 2:1 लेना है आपको, ये एम वन ये एम टू, एज इट इज क्वेश्चन में 2, -2 है, -7, -4 है, ये वैल्यू सेम लेना आपको, लेकिन फिर दोबारा आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, सब्स्टिट्यूट कीजिए, फार्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पर है, एम वन एक्स टू, चलिए एम वन है 2, एक्स टू है -7, एम टू है 1, एक्स वन है 2, एम वन प्लस एम टू है 2+1, दोबारा यहाँ पर भी एम वन है 2, वाई टू है 4, एम टू है 1, वाई वन है -2, एम वन प्लस एम टू है 2+1, 2 7 ज़ा 14, 1 2 ज़ा 2/3, 2 4 ज़ा 8, -1 2 ज़ा 2/3, ये दोनों को माइनस कीजिए -12/3, ये दोनों को माइनस कीजिए 6/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इसका आंसर -4, 2। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इफ ए इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12, ये ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स आपको लिखना है, ए इज इक्वल टू कौन से टेबल में आएगा, 1, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में, ये सारे टेबलों में ये 12 आ जाएगा। उसके बाद बी क्या होगा, फैक्टर ऑफ 6 है, बी का फैक्टर 6 के फैक्टर्स, 1, 2, 3 और ये 6 है, 6 के फैक्टर्स, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 6। यूनियन का मतलब है लाइन से आप लोग लिख देना है, 1, 2, 3, 4, 5 तो नहीं है, 6 है, उसके बाद 12 है, ये आंसर इसका हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको लेना है तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 12, इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 6, ये दोनों में 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 कॉमन है, तो 1, 2, 3, 6 इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी,
ये क्वेश्चन में फॉलोइंग इक्वेशन दे रखा है, एम एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन, नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू थर्टी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन वाई, इसका सोल्यूशन नहीं है वाई, और एम की वैल्यू क्या होगी देखना, ये गिवन है एम एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन, नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू थर्टी, ये गिवन है। और अगर इसको इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो इसको पैरेलल क्या होगा देखिए, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये क्या होगा पैरेलल लाइंस होगी। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू देखिए ए वन एम होगा और बी वन फोर होगा और सी वन होगा टेन, ए टू होगा नाइन, बी टू होगा ट्वेल्व, सी टू होगा थर्टी। अब ये इक्वेशन में आपको जस्ट सब्सटूट करना है, ए वन बाई ए टू ये दोनों लेंगे, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये नॉट इक्वल टू है इसको हम छोड़ देंगे, ए वन यहाँ से एम बाई ए टू है नाइन, बी वन है फोर और बी टू है ट्वेल्व, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ट्वेल्व इंटू एम, ट्वेल्व एम इज इक्वल टू नाइन इंटू फोर, एम इज इक्वल टू नाइन इंटू फोर बाई ट्वेल्व, फोर वन जा फोर, थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, थ्री जा एम इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा थ्री, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है देखिए, इन ए फ्लावर गार्डन, एक फ्लावर गार्डन है, देर आर 23 प्लांट्स है इसके अंदर, और फर्स्ट रो में 21 प्लांट्स, 23 प्लांट्स इन फर्स्ट रो में है, एक फ्लावर गार्डन है जिसके अंदर 23 प्लांट्स फर्स्ट रो में रहेंगे, और सेकेंड रो में 21 प्लांट्स है, 19 थर्ड रो में है, इस तरह चलते चले गए, रोज चलते चले गए, टेंथ रो इन द फॉलोइंग फ्लावर्स गार्डन, 10 रोज है इसके अंदर फ्लावर गार्डन में, मैंने पहले रो में 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, इस तरह चलते गया, तो इस तरह 10 रोज है, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द रो विद द हेल्प ऑफ द ये फार्मूले की मदद से, एक रो में कितने फ्लावर्स है आपको फाइंड आउट करना है टोटल। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फर्स्ट रो में 23 है और सेकेंड रो में है 21, थर्ड रो में है 19, इस तरह हम लिख लेंगे 23, 21, 19, ए इज इक्वल टू 23, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23 होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और टोटल एन इज इक्वल टू क्वेश्चन में है 10। अब यहाँ पर आपको nth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी आपको दे रखा है, ये ए एन इज इक्वल टू टी एन कुछ भी आप समझिए। चलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए 23 प्लस एन 10 माइनस वन इन टू डी है माइनस टू, ए 23 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे 9 इन टू माइनस टू, ए 23 9 टू ज़ा 18, ये दोनों को माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट रो में कितने प्लांट्स रहेंगे, टोटल 5 प्लांट्स रहेंगे। चलिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy दे रखा है, तो ये 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 2 log 2 प्लस log 3 आपको प्रूफ करना है, तो गिवन आपको लेना है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, ये आपके पास गिवन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड एडिंग, बोथ साइड एडिंग 2xy करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसको कंप्लीट करना है तो 2ab भी लोना, 2ab चाहिए हमको, 2ab नहीं है इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से हम ले रहे इज इक्वल टू 10xy, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 2xy, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर एक जगह हम कर देंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू दोनों को ऐड कीजिए 12xy, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए बोथ साइड एडिंग अब लॉग करेंगे, एडिंग लॉग, बोथ साइड एडिंग लॉग करेंगे, क्योंकि आंसर हमको लॉग में है, तो क्या होगा ये लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए 12xy होगा, ये 2 लॉग x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, 2 log x प्लस
वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कीजिए, लॉग 12 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग 12 को आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 थ्री जै 12, फिर एज इट इज लॉग एक्स प्लस ए लॉग वाई, फिर एज इट इज 2 लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेपरेट कीजिए लॉग 4 प्लस लॉग 3, फिर ए प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यही आंसर आपका है। चाहे तो ये 4 को 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया तो 2 लॉग 2 हो जाएगा, 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये प्रूफ दैट, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा, इस तरह लेंगे। 1 आपको प्रूफ करना है, ये 1 बाय साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला कॉज स्क्वायर टीटा बाय साइन स्क्वायर टीटा आपको पता ही है। एलसीएम साइन स्क्वायर टीटा हम ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉज स्क्वायर टीटा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर टीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर टीटा बाई ये साइन स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल ही हो गया 1, तो आर एच एस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।